हाय गाइस, वीडियो स्किप मत करना, जरा शांत मन से सोचना। वीडियो स्किप करने से हो सकता है आप कोई भी जानकारी से वंचित रह जाए, क्योंकि अमूमन हमारी आदत होती है हम वीडियो को स्किप कर देते हैं, हम आगे फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, हम पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, लेकिन हमें कुछ जानकारियों में कमी रह जाती है और अधूरी जानकारी, अधूरा नॉलेज हमेशा घातक होता है। दिस इज राकेश जोशी, इसीता जोशी यूट्यूब मोटिवेशनल चैनल में आपका स्वागत है। अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए हुए लाल बटन को जाके दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, मैसेज जरूर करिए, रिप्लाई जरूर करिए, क्योंकि मैसेज ही हमारी एनर्जी, मैसेज ही हमारा मोटिवेशन है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक प्रेरणादायक कहानी शांत मन के ऊपर। शांत मन से सोचा हुआ, फोकस से किया हुआ कार्य कितना उत्तम होता है, हमें सफलता की तरफ ले जाता है। तो स्टार्ट करते हैं कहानी। तो आज का टॉपिक है एक प्रेरणादायक कहानी, एक राजघराने की कहानी सुनाता हूँ आपको, एक राजा महाराजाओं की कहानी सुनाता हूँ। एक राजा था, बहुत समृद्ध, मजबूत, बहुत बड़ी विरासत थी, बहुत धन और दौलत, बड़ी प्यार करने वाली प्रजा थी, बहुत समृद्ध स्वार्थ वाले राजा थे। लेकिन उनके साथ एक मुसीबत थी। जहाँ अच्छाइयाँ होती है वह कुछ न कुछ मुसीबत अपना घर बना लेती है। राजा के तीन पुत्र थे, तीनों मजबूत, तीनों होशियार, तीनों समृद्ध, तीनों युद्ध में परिपक्व, शक्तियों से परिपक्व तीन पुत्र थे। राजा के साथ एक समस्या थी। राजा बूढ़ा हो चला था, राजा एक समस्या से जूझ रहा था। रोज वो मंथन करता था, रात को नींद नहीं आती थी, मंथन करता था मैं मेरा उत्तराधिकारी मेरे कौन से पुत्र को बनाऊंगा। और ये सोचते सोचते वो परेशान हो रहा था। और एक दिन रात को सोते सोते उसने सोचा, क्यों नहीं मैं मेरे तीनों पुत्रों की परीक्षा ले लूं, देखते हैं मेरे उत्तराधिकारी बनने का अधिकार कौन हासिल करता है, कौन मेरी उम्मीदों पर खरा निकलता है। और ऐसे ही दिन हुआ, सुबह हुई और राजसभा लगी हुई थी। सारे मंत्रीगण, सभी लोग, सैनिक वगैरह सब बैठे थे। तीनों पुत्रों को बुलाया और तीनों पुत्रों को 500 सोने की असरफिया दी, 500 सोने की मुद्राएं दी, तीनों को समान मुद्राएं दी और तीनों को महल के अंदर एक एक रूम, एक एक कमरा खाली दिया और उनको ये संदेश दिया, तुम्हारे पास 24 आवर्स यानी 24 घंटे का समय है, तुम्हारी विवेक से, तुम्हारी समझदारी से 24 घंटे के अंदर इन तीनों रूम को, अपने अपने रूम को भर दो, पूरा भरना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करो। ऐसा कह के राजा अपने महल के अंदर पधार गए और तीनों पुत्र सोचने लगे। उसमें से हर पुत्र की नेचर अलग थी, हर पुत्र की सोच अलग थी। एक पुत्र बहुत ज़्यादा जल्दी में रहता था, उसने तुरंत कुछ नहीं किया, मार्केट के अंदर गया और भूसा चारा खरीद के लेके आया और एक रूम के अंदर चारा भर दिया, पूरे रूम को फुल कर दिया। दरवाजा खोलने पे वो चारा भूसा पूरा बाहर आ रहा था, यानी पूरे रूम को फुल कंप्लीट भर दिया। और दूसरा पुत्र कुछ और सोच रहा था, थोड़ा समझदारी से सोच रहा था। हर पुत्र अपनी समझदारी लगा रहा था। उसने बड़े अच्छे सुंदर मुद्राओं से वस्त्र खरीदे और पूरे कमरे को वस्त्रों से भर दिया। और तीसरा पुत्र बहुत ज़्यादा चिंतन कर रहा था, वो बहुत परेशान हो रहा था। और फाइनली उसने ये निर्णय किया, एक दीपक लिया, घी डाला और रूम के अंदर सेंटर में जमीन पर रख के और दीपक को जला दिया और दरवाजे के पास में कुछ घंटियाँ लगा दी, जैसे मंदिर में लगी हुई होती कुछ घंटियाँ लगा दी और दरवाजे को बंद कर दिया। लेकिन घंटियाँ इस तरह से सजाई गई थी, इस तरह से लगाई गई थी, जैसे ही कोई दरवाज़ा खोलेगा तो वो स्वतः ही ऑटोमेटिकली दरवाजे की फटकार से घंटियाँ बज उठेगी। और तीनों, चूँकि रात्रि हो चुकी थी, सभी लोग रेस्ट कर रहे थे, देन सुबह हुई और वो 24 घंटे खत्म हो गए और राजा जी उठे। ऐसे ही सभा लगी कि क्यों पुत्रों, आप लोगों ने अपना कार्य संपूर्ण कर लिया। तीनों पुत्र खड़े हुए, बड़े सम्मान से बोले, हाँ पिताजी, हमने हमारा काम संपन्न कर लिया, आप चल के देख सकते हैं। और राजा उठा, सभी सेनापति वगैरह उठे और तीनों कमरे के पास गए। पहला रूम खोला गया, पहला कमरा खोला गया तो उस पूरे कमरे में भूसा भरा हुआ था, गायों का चारा भरा हुआ था। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, कमरा पूरा भरा हुआ था, अपने पुत्र के सामने देखा, मुस्कुराया, देन आगे चला। दूसरे पुत्र ने जो रूम भरा था, जो कमरा भरा था, उस कमरे को खोला गया। जैसे ही कमरा खुला, राजा ने देखा पूरे कमरे में वस्त्र, बड़े सुंदर सजाए हुए वस्त्र पड़े थे, पूरा रूम पैक था। राजा फिर खुश हुआ, फिर प्रसन्न हुआ, अपने पुत्र के सामने देखा, सीना थोड़ा और फूल गया राजा का। और बारी आई तीसरे पुत्र की, कहा पुत्र तूने भी कुछ किया है, हाँ हाँ पिताजी मैंने भी कुछ किया है, पधारिए
चलिए। तीसरा रूम खुला, जैसे ही राजा ने दरवाजा खोला और वो घंटियां बज उठी और उस घंटियों के शोर से, घंटियों के संगीत से, मधुर संगीत से पूरा कमरा भर उठा। और एक सेंटर में बीच में एक दीपक जल रहा था, घी का दीपक जल रहा था, जिस दीपक की रोशनी से पूरा रूम भर रहा था, कंप्लीट पूरे रूम के अंदर, कमरे के अंदर रोशनी भरी हुई थी। राजा ने बड़े ध्यान से देखा, गौर से चिंतन किया, रूम भरा हुआ था रोशनी से और संगीत से, घंटों के, घंटियों की संगीत से पूरा रूम भरा हुआ था। और पुत्र के सामने देखा, अपने सिंहासन की तरफ चल पड़ा। सारे सेनापति, सारे मंत्रीगण और सभी लोग, सभी जाके और अपने अपने स्थान को ग्रहण कर चुके थे। पुत्र तीनों अपने स्थान को ग्रहण कर चुके थे। अभी राजा जी के फैसला सुनाने की बारी थी और वो समय आ ही गया जब राज्याभिषेक होना था और उत्तराधिकारी राजा को निर्णय करना था कि मेरा कौन सा पुत्र, मेरा इस पूरे संपूर्ण विरासत का उत्तराधिकारी कौन होगा। और राजा उठा और उस तीसरे पुत्र को, जिसने कमरे में, रूम में एक सिर्फ दीपक जलाया था, सिर्फ घंटे लगाए थे, उसको उठाया और अपने गुरुजी को, जो राजा के गुरु होते थे, उनको ये बोला कि गुरुजी मेरा उत्तराधिकारी, मेरा ये पुत्र होगा। तो सभी सैनिक, जितने भी सैनिक थे, वो आश्चर्यचकित रह गए। और उसमें से एक सेनापति ने पूछ लिया, राजा जी क्षमा करिए, मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा, आपने इस पुत्र को उत्तराधिकारी कैसे चुना, आपने क्या ऐसा देखा ताकि हमें भी कुछ सीखने को मिले। राजा मुस्कुराया और बोला, राजा वो होता है जो अपनी प्रजा की सुरक्षा करे लेकिन अपने धन को भी संचय करे। धन को जैसे संचय करेगा तो वो प्रजा के काम आ पाएगा धन। ऐसा राजा क्या काम का जो धन को खर्च करके प्रजा की रक्षा करे, प्रजा को सुरक्षित रखे, अपने कार्यों को करे। वो दोनों पुत्रों ने धन को खर्च किया था, 500 सोने की असरफियों को, मुद्राओं को खर्च करके उन कमरों को भरा था। लेकिन ये पुत्र ऐसा था जिसने 500 मुद्राएं को संचय किया, जमा किया और बिना उनको खर्च किए हुए, बिना उनको छेड़े हुए एक छोटे से दीपक से पूरे कमरे को रोशनी से भर दिया, छोटी सी घंटी से पूरे कमरे को संगीतमय कर दिया। इसीलिए मैंने मेरा उत्तराधिकारी इसको चुना है, क्योंकि ये धन का संचय भी करेगा और प्रजा की रक्षा भी करेगा। क्यों दोस्तों, क्या संदेश मिला इस कहानी से? आपको 100% ये संदेश मिल गया होगा। मैं आपको बताता हूँ इसका संदेश। हमें कोई भी कार्य करने के लिए शांत मन से सोचना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है आप लोग अपनी सफलता के लिए, अपने कार्य के लिए इतना हार्डवर्क कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, अपनी एनर्जी, अपनी पावर को बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है आप सफल होने के लिए अपनी बहुत सारी पूंजी को खर्च कर रहे हैं, बहुत सारी पूंजी को समाप्त कर रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है आपके पिताजी की संचय की हुई सारी पूंजी आप खर्च कर रहे हैं अपनी सफलता के लिए? दोस्तों हार्डवर्क करना चाहिए, पूंजी लगानी होती है व्यापार में, लेकिन क्या ऐसा नहीं कर सकते कि हम कुछ हार्डवर्क को कम करें, कुछ स्मार्ट वर्क को सम्मिलित करें? समय परिवर्तन हो रहा है दोस्तों, समय के साथ में चलना होगा, थोड़ा हार्डवर्क के साथ में स्मार्ट वर्क करें, थोड़ा पूंजी लगा के अच्छा व्यवसाय करें और सफल बने। क्यों, ये संदेश समझ में आया? आज की प्रेरणादायक ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को शेयर जरूर करना जो सफल होना चाहते हैं, अपने परिवार में, अपने बच्चों को, अपने सभी परिवार के लोगों को, सभी मित्र गण को ये कहानी जरूर दिखाना, बहुत बड़ा संदेश मिलेगा। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपका कमेंट ही हमारा मोटिवेशन है। और अगर अब तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए रेड बटन को प्रेस करिए, बेल आइकन को दबाइए, कमेंट करिए और लाइक करना ना भूले। तो मिलते रहेंगे आगे के वीडियो में, प्रेरणादायक कहानी, मोटिवेशनल वीडियो, अच्छी जानकारियों के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।